पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलाम अलैकुम। आप शनासी के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज गुफ्तगू करेंगे जमनाए और लिब्रा की हसीन रफाकत के हवाले से। जौजा और मैज़ान का ताल्लुक हसीन रफाकत में ढल सकता है। जौजा की तवानाई का मुसलसल बहाव और मैज़ान का इख्तारा परदाज दिलकशी की यकजाई बहुत दिलचस्प हो सकती है। मैज़ान जौजा को जहनी चैलेंज फराहम कर सकता है जिसकी जौजा को ज़रूरत है। मैज़ान में वो नज़ाकत और मामला फहमी और मौका शनासी है जो जौजा को संभालने के लिए ज़रूरी है। जौजा को मैज़ान के किसी मनसूबे पर काम करना बहुत दिलचस्प और ख़्याल आफनी लगता है। जौजा और मैज़ान दोनों आपस में दुनिया के हर मौजू पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करेंगे, अलबत्ता किसी फ़ैसले पर पहुँचने के अमल में एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैज़ान जौजा की गैर ज़रूरी बातों को अलग छांट कर एक तवाज़ुन कायम कर सकता है, अलबत्ता जौजा की बनिस्बत ये कोई फ़ैसला करने में वक्त ले सकता है, जबकि जौजा एक लम्हे में फ़ैसला करता है। बहरहाल ये एक दिलचस्प और पुरलुत्फ़ जोड़ी साबित हो सकती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।